नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों का मौसम है और अंबियां बाजार में खूब आ चुकी हैं। ऐसे में खाने के साथ अगर चटनी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। स्पेशली अगर बात आम की चटनी की हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आज हम बहुत ही टेस्टी टेस्टी जो है मैंगो चटनी बनाएंगे, दो तरह की, जो कि आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसको ज़रूर एक बारी ट्राई करिएगा और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपने नहीं किया है तो करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोज के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से इन दोनों चटनियों को बनाना चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने लिए दो कच्चे आम, तो बिल्कुल कच्चे कच्चे हमने आम ले लें जो बिल्कुल हार्ड हो, सख्त हो अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल दबाएं भी तो अब दबे नहीं, इस तरह के हमें आम चाहिए। तो इसको हमने सबसे पहले धो लिया है और इसको हम पीलर की हेल्प से छील लेंगे इस तरह। ये देखिए अच्छे हमारे कच्चे आम हैं, इस तरह से वाइट कलर के होने चाहिए। और जब भी आप आम खरीदें थोड़ा सा खाकर देख लें कि आम जो है खट्टा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आम शक्ल से तो बहुत बढ़िया लगता है लेकिन जब हम खाकर देखें तो खट्टापन नहीं होता है। आम हमेशा खट्टा होना चाहिए, तो एक बार टेस्ट करके ज़रूर देख लें कि आम आपका खट्टा है कि नहीं, क्योंकि कई तरह की वैरायटी आती है आम में। तो इस तरह से हमने आम को अच्छे से छील कर रेडी कर लेना है। तो दोनों हम अच्छे से छील लेंगे और रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कच्चा आम है। इसी तरह तो से दोनों अंबियों को मैंने छील लिया और इसको अब कट कर लेंगे इस तरह से। हमने पीसेस में लंबे लंबे पीसेस में इसको कट कर लेना है। जैसे भी कट होता हो, आप छोटे भी होते हैं छोटे कट कर लें, तो सारी अंबी का जो पल्प है वो हमने निकाल लेना है। तो जितने बड़े स्लाइसेस निकलते हैं वो उस तरह से निकाल देंगे, बाकी के हम छोटे निकाल कर रेडी कर देंगे। तो सारे हमने इसी तरह से अच्छे से सारा जो कच्चा आम है हमने निकाल लेना है इसके ऊपर से। तो लीजिए सारा पल्प जो है हमने इस तरह से इसका निकाल कर रेडी कर लिया और इसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे। तो दोनों आम को हमने इस तरह से पल्प निकाल लिया और ये जो बड़े पीसेज हैं इसको हमने इस तरह से इसको कट कर लेना है। ये देखिए इसको लंबा लंबा हम कट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतले पीसेस भी नहीं। तो इस तरह से हमने सारी जो है अंबी को कट करके रेडी कर लेना है। ये देखिए और इसी तरह से बाकी का भी हम कट कर लेंगे। आप छोटा चाहते हो तो बीच में से भी इस तरह से कट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने सारे पीसेस कट कर लेना है। देखिए बीच में से कट कर लेंगे। ये देखिए तो हमने दोनों अंबियों को कट कर लिया। आप किसी तरह से भी इसको कट कर सकते हो, रफली चॉप कर सकते हो आप इसको। तो इसको हमने चॉप करके कर लिया रेडी। तो रफली चॉप हमने इसको कर लिया। अब हम ले लेंगे मिक्सी का जार और इसके अंदर डाल देंगे अपनी सारी अंबियां। तो लीजिए हमने अंबियों को इसके अंदर डाल दिया। हम डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्च। तो हम जितना स्पाइसी करना चाहते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च डाल देंगे। तो मैंने जो है ये दो हरी मिर्ची ली हैं और इसका डंठल इस तरह से निकाल लेंगे दोनों तरफ से। ये दोनों डंठल निकाल लिए और ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे लहसुन। तो हम तीन चार जो है लहसुन के फ्लेक्स इसमें डाल देंगे। मैं पांच लहसुन के फ्लेक्स डाल रही हूँ छील कर धोकर अच्छे से। इसके साथ ही एक प्याज डालेंगे। तो छोटा सा हमने प्याज ले लिया मीडियम साइज़ का और इसको भी हमने रफली चॉप कर लेना है। प्याज को हमने छील कर धो लेना है और इस तरह से चॉप करके इसमें एक प्याज डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, डालेंगे थोड़े से मसाले डालेंगे। इसमें 1/3 स्पून के करीब भुना हुआ जीरा। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे नॉर्मल नमक तकरीबन 1/2 चम्मच, लाल देगी मिर्च 1/3 स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे चीनी। तो नॉर्मल चीनी जो हम घर में वाइट यूज़ करते हैं वो भी डालेंगे। तो छोटे चम्मच के मेजरमेंट से हम इसमें 4 चम्मच चीनी के डाल देंगे। चीनी ज़रूर डालिएगा इसमें, चीनी से बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्ट बढ़िया आता है इसका। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी। तो 3-4 चम्मच पानी के डाल देंगे, उतना पानी डाल लें जिसमें हमारा जो ये चटनी है अच्छे से पिस्ट है। तो अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर, तो चेक कर लेते हैं। तो चटनी हमारी ऑलमोस्ट पिस गई है। इसके अंदर हम डालेंगे 1/3 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा काला नमक और उतना ही हम 1/3 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल नमक भी डाल देंगे। एक बार दोबारा इसको हमने पीस लिया है, चेक कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी के और 2 से 3 चम्मच। तो ध्यान रहे कि हमने चीनी एकदम से सारी नहीं डालनी है, रुक रुक के डालनी है।
और इसको एक बार दोबारा पीस। तो लीजिए, हमारी बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। सच बोल रही हूँ, आप एक बार खाओगे इसको तो उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। आपके घर में जो खाएगा इस चटनी को, बस उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। इतनी यम्मी, इतनी टेस्टी ये चटनी बनी है। इसको खाने के साथ खाएंगे, आपके स्वाद जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। इसके साथ साथ इसको परौंठी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, मज़ा आ जाएगा। तो ये तो हो गई एक रेसिपी, इसको हम चटनी को कर देंगे शिफ्ट। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत ही टेस्टी हमारी ये आम की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम बनाते हैं। दोबारा से हम लेंगे मिक्सी का जार और एक प्याज लेंगे मीडियम साइज का, और ये भी रफली चॉप करके जो है हमने इस तरह से इसके अंदर डाल रहे हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अपने लहसुन के फ्लेक्स। तो लहसुन के फ्लेक भी हम 5-6 जो है इस तरह से डाल देंगे, अच्छे से छील कर और धोकर डालेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है। डंठल निकाल लें, इस तरह से धोएं और हरी मिर्च को इस तरह से डाल लें। तो मैं जो है इसमें 3 हरी मिर्च डाल दूँ। इसके साथ इसमें डाल लेंगे मैंगो। तो ये एक आम लिया है हमने, कच्चा आम इस तरह से, और इसको भी हमने इस तरह से रफली चॉप कर लेना, और मोटा पतला जिस तरह से भी हो आप इस तरह से इसको कट करके डाल सकते हो। ये देखिए, लेकिन ध्यान रहे कि आम जो आप लें बिल्कुल कच्चा आम लें, वाइट कलर का इस तरह से हो। और ये जो आम होता है बहुत खट्टा खट्टा होता है, और इससे चटनी जो आपकी बेहद ही टेस्टी बनेगी। तो सारे आम का जितना भी पल्प है हमने इस तरह से निकाल लेना है। सारा जो पल्प है हमने इस तरह से निकाल कर रेडी। अब हम लेंगे धनिया। तो मैंने एक बंच जो है धनिया की ले ली है, और इसको डंडियों के समेत ही हमने इस तरह से डंडी लेंगे, और डंडियों के साथ ही हमने अच्छे से धोकर इसको कट करके डाल देना है। तो रफली इसको चॉप कर लेंगे। तो सारा धनिया हमने इस तरह से अच्छे से धोकर जो है हमने चॉप कर लिया। इसके अंदर अब हम डालेंगे धनिया। तो आधा कप हमने धनिया ले लिया, और इस तरह से बंच छोटी सी हम डाल लेंगे, अच्छे से इसको धो लेना है। और धनिया इसमें, पुदीना इसमें ज़रूर डालें। तो ये पुदीना हमने आधा बंच डाला, यानी कि आधा कप के करीब। और इसके अंदर अब हम डाल लेंगे अपने मसाले। मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर काला नमक, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देगा, और वो हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच। तो आधा चम्मच काला नमक डाल लेते हैं। इसके साथ ही इसमें डाल लेंगे नॉर्मल नमक, वो हम डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। 1/3 स्पून लाल देगी मिर्च, और इसमें और कोई खास मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अमचूर भी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है हमने अम्बी डाल ली, और अम्बी का टेस्ट ही हमें चाहिए। आधा चम्मच हम इसमें जो है भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। तो आधा चम्मच इसमें डालें, इससे टेस्ट बहुत ही आपको जो है बढ़िया लगेगा। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, 2-3 चम्मच पानी उतना ही डालें जितने में चटनी पिस जाए। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी पतली चाहते हो तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लीजिए, नहीं तो उतना ही पानी डालें। और दूसरी आम की चटनी भी जो हमने बनाई है, उसकी कंसिस्टेंसी भी अगर आप ज़्यादा पतली नहीं डालते हो तो कम पानी डालें। तो इसको हमने अब ग्राइंड कर लेंगे। चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है, चेक कर लेंगे। तो लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी चटनी बनकर तैयार है, ये आप देख सकते हो। बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए। अब हम कर लेंगे इसको शिफ्ट, और आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है ये चटनी। तो लीजिए, देखिए लग रही है ना बढ़िया। तो लीजिए, ये दोनों चटनियाँ हमारी बहुत ही बढ़िया बनके हो गई हैं रेडी। इसको ज़रूर ट्राई करिए, और गर्मियों में इसको इंजॉय कीजिए खाने के साथ, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।